नमस्कार, नवप्रवाह लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नृपेंद्र कुमार मौर्य। शुक्रवार 2 मार्च को झारखंड के दुमका में कुछ ऐसा हुआ जिसे पूरा देश शर्मसार हो गया। हमारे यहाँ अतिथियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हो गया जिसने हमारी इस मान्यता पर ही सवालिया निशान लगा दिया। दरअसल दुमका के कुंजी गांव में स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप हुआ और उसके पति के साथ मारपीट की गई। मामला पुलिस के पास पहुंचता है और शनिवार को FIR दर्ज होती है। पुलिस अब तक इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को अभी भी 4 अन्य आरोपियों की तलाश है। वहीं इस कुकृत्य का शिकार बनी महिला ने अपनी आप बीती बताई है। महिला ने बताया कि पहले 2 लोग आए, फिर फोन कर 5 लोगों को बुलाया। सभी ने उसके साथ मारपीट की, फिर पति के हाथ बांधकर करीब 2.5 घंटे तक सभी ने बारी बारी से उसके साथ रेप किया। पुलिस को शिकायत में उसने बताया कि उसका पति बांग्लादेश होते हुए झारखंड के दुमका पहुंचे थे। रात होने पर पति के साथ एक खेत में टेंट लगाकर आराम कर रही थी, तभी उसके साथ वारदात हुई। महिला ने बताया कि शुक्रवार को शाम के 7 बजे करीब दोनों पति पत्नी टेंट में थे, तभी बाहर से आवाज सुनाई दी। देखा तो 2 लोग फोन पर बात कर रहे थे। हमें लगा कि यह सामान्य है, लेकिन इसके बाद वहां और लोग भी आ गए। पीड़ित महिला ने बताया कि उन 2 लोगों के फोन करने के थोड़ी देर बाद 5 लोग 2 बाइक से आए, सभी टेंट में घुस गए। इस दौरान 3 लोगों ने मेरे पति को पकड़ा, उसके हाथ पैर बांध दिए और उसने मारपीट की। इस दौरान 4 लोग मुझे टेंट से बाहर ले आए, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और बारी बारी से बलात्कार किया। महिला ने बताया कि यह घटना शाम 7 से रात 10 के दौरान अंजाम दी गई और सभी आरोपी नशे में धुत थे। इतना ही नहीं, आरोपियों ने महिला के साथ बलात्कार और मारपीट के बाद लूटपाट भी की। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद उसके पति की स्मार्ट वॉच, हीरे की अंगूठी, पर्स, ब्लूटूथ डिवाइस, स्पेन के बैंक का क्रेडिट कार्ड, बांग्लादेशी सिक्के, 11,000 भारतीय रुपए और 300 अमेरिकी डॉलर भी लूट गए। तो इस तरह स्पेन की एक कपल को भारत में इतना कुछ झेलना पड़ता है और अभी पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, ये भी एक देखने की चीज है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए नवप्रवाह लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।